हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन लॉक कैसे बनाएं वो बताने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट। हमें एक पाइप की ज़रूरत होगी, उसे हमें स्ट्रेट काट लेना है। यह पाइप हमें हॉल ट्यूब में मिल जाएगा, साइकिल ट्यूब में। उसमें काट के हमें इसको अभी स्ट्रेट काटना है इस तरह से। कट हो जाने पर उसके बाद हमें इसको जो थ्रेडिंग रहता है ना, उसको हमें लेवल कर देना है पूरा। जिसके अभी यह जो स्टूल के नीचे लगाते हैं ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हमें अभी इसका जो होल है उसको बड़ा करेंगे, ताकि हम आसानी से उसके अंदर चला जाए। देखिए इस तरह से, इसी को हम तीन पीस में इसी तरह काट लेंगे और हमें तीनों को होल कर देना है। और इसको हम थोड़ा स्ट्रेट काट लेंगे हाफ इस तरह से। और जैसे कि हमारा जो लॉक के में इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ना की का शेप में, इसी तरह हमारा हो जाएगा। देखिए इस तरह हमें तीनों को इस तरह का शेप में काट लेना है। और इसको हमें अच्छे से साफ कर लेना है, जो डस्ट रहता है ना प्लास्टिक का, उसे हम निकाल देना है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे और हमारा इस तरह का रेडी हो चुका है। और हमें की के लिए हमको इस तरह का स्ट्रक्चर काटना पड़ेगा। मैंने इसको सिर्फ स्ट्रक्चर दे दिया है। अभी काटने के लिए हम थोड़ा हार्ड स्टील का इस्तेमाल करेंगे और हमें उसी की का शेप में इसे बनाना है। देखिए मैंने अभी इसको इस तरह का काट लिया है। अभी एक और पर इस तरह का काटेंगे। आप वीडियो पूरा देखते जाइए, आपको सभी समझेगा मैंने किसलिए इतना ज़्यादातर काटा है। सो अभी हम इसको लेवल कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसे डालने पर हमारा की इसके अंदर चला जाएगा इस तरह से। देखिए हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे घुमाएंगे इसको, नंबरिंग सिस्टम वाला को। और उसमें से वाइसर डाल दिया है, वाइसर को हम स्टिक कर लेंगे। आप ग्लू से भी, कौन से ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। उसके बाद हम इस की में होल कर लेंगे, ताकि हमारा जो लॉक उसके अंदर ही दिख, और वो इसमें पाइप में भी होल कर लेंगे। हमारा दोनों साइड में होल चाहिए, ताकि हमारा एक लॉक का कॉम्बिनेशन बन जाए राउंड। उसके बाद हमें एक लास्ट स्टेप में लेना है इसका वाइसर का प्लास्टिक टाइप में, और इसको हम थोड़ा अंदर से काट लेंगे, ताकि हमारा जो ये की है ना उसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए, आसानी से जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा बाहर। अब हम इसको नंबरिंग देना शुरू कर रहे हैं। इसको अभी हमें स्ट्रेट में लाइन से 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 8 पार्ट डिवाइड हो जाने पर हमें इसके ऊपर नंबरिंग शुरू कर देना है। देखिए मैंने तीनों को इस तरह का 8 शेप डिवाइड कर लिया है। नंबरिंग के लिए मैंने थोड़ा बॉल पेन का यूज़ किया है, और इसको थोड़ा पिन लेके हॉट है पिन, और उसके अंदर हम डिप कर रहे हैं, स्ट्रेट के अंदर घुसाएंगे, ताकि हमारा जो नंबरिंग अच्छा से दिखे और जो रिफिल है ना बॉल पेन का उसके अंदर चला जाए हॉट होके, हीट होके। हम देखिए मैंने 4 लिख लिया है। इसी तरह हम सारे नंबर सिस्टम को दे देंगे। हम 0 to 7 से स्टार्ट किया है, 0 to 7। इस तरह हो जाने पर देखिए मैंने आपको दिखा दे रहे हैं नंबरिंग 0 to 7 है। और इसके बाद हम थोड़ा इसे हीट कर लेंगे, ताकि हमारा जो बाहर का है ना प्लास्टिक, वो अंदर जाके बैठ जाए। तो हम अभी एक साइकिल का ये लेंगे वायर, जो हम ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका। उसके अंदर फर्स्ट में जो मैंने इसको की डाल दिया है, उसके बाद हमने इसको कवर कर लेना है। देखिए मैंने इसको भी डाल लिया है वाई पाइप को एक होल में, और इसको हमें अच्छे से टाइट कर लेंगे। मैंने इसको अभी वायर थोड़ा खोल के इसको दो दो जोड़ी में बना के इसको हम पकड़ की मदद से टाइट कर लेंगे। तो देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट जो था उसको वायर का उसको काट लिया, और हमारा इस तरह का दिख रहा है, और ये हमारा की इसके अंदर चला जाएगा। तो अभी हम इसे नंबरिंग दे दिया है, इसको चिपका लिया है मैंने। इसका नंबर 4 to 7 है, तो देखिए इसका 4 चला जाएगा, और इसमें तीनों डाल दिया है। लास्ट में हम इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे फेविकिक, और आप जो कुछ है ग्लू उसे चिपका लें, तो हमारा जो बाहर दिखेगा भी नहीं और निकलेगा भी नहीं। तो हमारे बन चुका है हमारा कॉम्बिनेशन लॉक।
देखिए मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया है इस पे स्टील के अंदर पाइप पे, ताकि हमारा जो लाइन अच्छे से दिखे और हमारा जो हमको मालूम चले किससे किस लेवल में खोलना है। तो देखिए मैं नंबर डाल के घुमा देता हूँ और आप ये जब खींचेंगे तो भी निकलेगा भी नहीं, आप इसको साइकिल में इस्तेमाल कर सकते। तो मैं अभी इसे नंबर मिला लूँगा 427 ला के, तो इसे मिल जाने पर हम भी खोल लेंगे। देखिए इस तरह खुल जाएगा हमारे, इसमें नंबर जो बनाया है मैंने 427 है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।